ये से रूपा जी, बात करें अगर अब कपास की, तो कपास में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कपास में तो लगातार तेजी ही बनती नजर आ रही है, लेकिन हमने हाल ही में कपास पर बड़े फैसले भी होते हुए देखे हैं, 3% एडिशनल मार्जिन भी लगा है, और जो प्रीमियम बड़ा और जो ज़्यादा प्रीमियम लिया जा रहा है उसकी वजह से भी हमने एक्सपोर्ट्स में कमी आते हुए देखी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या एक्सपोर्ट्स में कमी आने की वजह से कपास की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी, मद्देनजर कि कपास का उत्पादन भी कम है और जो घरेलू डिमांड है वो भी ठीक ठाक है? देखिए, जहां तक कॉटन की बात है अखिलेश, अभी जो एडिशनल मार्जिन बढ़ाया गया उसके चलते हमने हल्की करेक्शन आते हुए देखी थी वायदा के अंदर, लेकिन उसके बाद आप देखिए अगेन मार्केट पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए फंडामेंटल अपना रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा कम है और डिमांड अच्छी खासी अभी भी निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेशी बाजारों में भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है और जिसका असर सीधा भारतीय बाजारों पर, आप देखिए फिर से बाजार जो है 35,000 के ऊपर है, यानी 36,000 के बेहद करीब है, और जनवरी वायदा में भी बाजारों में तेजी है और आगे फरवरी वायदा भी 36,000 के पास जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी तेजी है, अभी 10 से 15 दिन अभी और कंटिन्यूशन में मार्केट रह सकता है। जी,